Good morning, students. I welcome you all to 30th June daily morning answer writing practice class. So, आज हमारा paper 4 है, as all of you know, और आज हम paper 4 का question discuss करेंगे जो ethics से related है, right? तो आज हम 30th June के लिए हमारा हम 17 classes ऐसे कर चुके हैं students. So, please go back and watch all my answer writing practice classes, okay? It will be highly beneficial for you. Okay, so this would be, today would be paper 4 and इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आज हम कौन सा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो आपको एथिक्स के लिए आपके एक और नया डोमेन आपको प्रेजेंट करेगा, राइट? सो एक्सप्लेन हाउ अ वेलफेयर पॉलिसी इज एज गुड एज इट्स इंक्लूसिव एंड इम्प्लीमेंटेशन. कि हमको बताना है कि वेलफेयर पॉलिसीज क्या होती हैं. वेलफेयर पॉलिसीज लाइक जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सोसाइटी है, उसके लिए प्रेजेंट करती है वेलफेयर के लिए, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है. ये गवर्नमेंट एज अ प्रोटेक्टर ये प्रटेंड करती है, और ये जो काम उनको ये गवर्नमेंट को लोगों की भलाई के लिए करने पड़ते हैं, राइट? तो वो कैसे वो वेलफेयर पॉलिसी सेंसिटिव होती हैं और कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंक्लूसिव बनाया जाए, मतलब वो सब तक वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पहुँच पाए, राइट? जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, हम जितने भी रीच है लोगों का, वो ज़्यादा हो पाए उन वेलफेयर पॉलिसीज़ के लिए, राइट? आप देखते हैं कि रोज़ रोज़ हमारी जो गवर्नमेंट है, आज कोई पॉलिसी निकाल रही है, आज कोई पॉलिसी निकाल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू हेल्प द रीच आउट द पीपल, द वेरी डाउन ट्रोडन पीपल, ओके? जो सबसे ज़्यादा जो नीचे हैं जो लोग, उन तक भी वो जो पॉलिसीज़ है, उनका जो वेलफेयर है वो पहुँच पाए, राइट? सो इसके लिए ये 250 वर्ड्स में है. ये वही आज आपका होमवर्क है कि 150 वर्ड्स में इसको एकदम क्रिस्प फॉर्म में आप मुझे लिख के देंगे इस क्वेश्चन को. चलिए डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट अबाउट द क्वेश्चन. सो व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन. सो हाईलाइट वेलफेयर पॉलिसी हमको बताना है. सबसे पहले वेलफेयर पॉलिसी व्हाट इज ऑल अबाउट, हाँ, और हाईलाइट एंड इंक्लूसिवनेस एंड सेंसिटिविटी इन द इम्प्लीमेंटेशन कैन एनहेंस वेलफेयर पॉलिसीज एंड स्टेटस ऑफ अ नेशन. एक नेशन के लिए जो सेंसिटिविटी है वेलफेयर पॉलिसीज़ की, वो कैसे एनहेंस कर सकती है उसकी जो इंक्लूसिवनेस है उसको, ठीक है? सो इसके लिए कुछ मेजर्स देने हैं. अगर हमको लगता है कि वेलफेयर पॉलिसीज आर नॉट डूइंग वेल, राइट, तो हमको उसके लिए कुछ मेजर्स देंगे, देन आफ्टर हम उसको कंक्लूड कर देंगे, राइट? हम उसको एक अच्छा सा कंक्लूजन दे देंगे कि हमारा इसके लिए क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रहना चाहिए, ठीक है? सो लेट्स सी अबाउट द क्वेश्चन. So, what should be the introduction of this welfare policy? Welfare refers to a range of government programs that provide financial or other aid to individuals or groups who cannot support themselves. ये देखिए, welfare policy means हमको जो हमारी जो जितनी भी सोसाइटी है, हम उनके लिए फाइनेंशियली और जो भी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही, वो उनको प्रोवाइड करना, और उनके लिए, उन लोगों के लिए जो अपना सपोर्ट खुद से नहीं कर सकते, मीन्स जो अपने लिए इनकम जनरेट नहीं कर सकते हैं, जो अपना डिफरेंट काइंड ऑफ बेनिफिट्स अपने लिए नहीं ले सकते हैं, राइट? सो गवर्नमेंट का काम है कि उन लोगों को पॉलिसीज़ के अंडर लाना और उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड करना, राइट? सो दिस इंक्लूड्स प्रोवाइड देम बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेट्रा. सो ये कुछ मेजर्स होते हैं कि इनके द्वारा ही वेलफेयर पॉलिसी हम ये देख सकते हैं कि वेलफेयर पॉलिसी सही जा रही है कि नहीं. जब हमको पता लगे कि हमारा हेल्थ केयर अच्छा है, हमारा सिक्योरिटी अच्छा है लोगों के लिए, फंडामेंटल राइट्स जो लोगों को ह्यूमन राइट्स हम देते हैं वो उनको प्रॉपरली मिल रहे हैं कि नहीं, तब हम कह सकते हैं कि वेलफेयर पॉलिसी हमारा गुड है, ओके? सो दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर कैपेसिटी टू द फुलेस्ट. वेलफेयर पॉलिसीज एफिकेसी इज मेजर्ड बाय इट्स इंक्लूसिवनेस एंड सेंसिटिविटी एंड इम्प्लीमेंटेशन टू अचीव दीज गोल्स, राइट? सो मतलब आज जो हमारा जो वेलफेयर पॉलिसी है, इसका इंक्लूसिवनेस और इसका मेजर जो है वो हम कैसे उसको नापेंगे कि वो जो सेंसिटिविटी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो अपने गोल्स को रीच कर पा रही है कि नहीं, वो जो मैक्सिमम जो रीच होना चाहिए वेलफेयर पॉलिसी का वो हो पा रहा है कि नहीं, पॉसिबल, राइट? कि मतलब जो हम जिन लोगों तक हम अपनी पॉलिसी पहुंचाना चाहते हैं वो लोगों तक ये पॉलिसी जा रही है और उनको सबको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, उसको हम ऐसे मेजर कर सकते हैं. और इसकी जो सेंसिटिविटी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन में, उसको हमें रीच आउट करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, राइट? सो एक गवर्नमेंट को ये सब स्टेप फॉलो करने चाहिए. सो हमने अपने इंट्रोडक्शन में अच्छे से बता दिया है कि हमें क्या होना चाहिए, हमारा वेलफेयर पॉलिसी के लिए हमारा गोल क्या होना चाहिए, और वेलफेयर पॉलिसीज होती क्या है वो सब हमने बता दिया. अब हम बॉडी पार्ट्स में देख लेते हैं कि हमको इसका बॉडी कैसे लिखना है. इंक्लूसिवनेस एंटेल्स, देखो अब इंक्लूसिवनेस और सेंसिटिविटी जो भी कीवर्ड्स हैं वो सब के हम कि आपको डेफिनेशन दे यहाँ पे दे दूंगा, राइट? कवरिंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी स्पेशली डिप्रेस्ड
एंड वल्नरेबल लाइक इन केस ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स वुमेन ओल्ड एज दिव्यांग्स एक्सेट्रा. कहने का मतलब है इंडिया में इंक्लूसिवनेस जो नॉर्मल पीपल हैं, नॉर्मल मींस जिनके पास वेल्थ है, जिनके पास हेल्थ है, सब मतलब नॉर्मल उनका चल रहा है, इकोनॉमिक सिचुएशन उनका सही है, उनके अलावा जो सेक्शंस है जो सोसाइटी में जिनके पास अच्छे से प्रॉपरली जो बेसिक नीड्स है वो भी नहीं है, और जैसे ये हमारे जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं लाइक एससीज एसटीज वुमेन्स ओल्ड एज और दिव्यांग, इन लोगों के पास ऐसे समझा जाता है कि इनके पास जो रीच आउट है रिसोर्सेज का वो बहुत कम होता है. तो दैट्स वाई इंक्लूसिवनेस मीन्स इन सबको भी अपनी डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करना बाय द गवर्नमेंट, राइट. सो ये हमारा पर्पज़ होना चाहिए इंक्लूसिवनेस का, ठीक है, वेलफेयर का, कि हम सबको ये जो सेक्शन है इन तक हमारा डेवलपमेंट जाना चाहिए. So, this ensures the utilitarian aspects of the policy, enabling benefits to those in need, which will result in better human resource development by letting them overcome social, economic and other kinds of barrier not of their own making, right? मतलब जो सोसाइटी में जो ये सेक्शंस हैं इनकी जो जो प्रॉब्लम्स है जो रिलेटेड है सोशल, इकोनॉमिक और काइंड्स ऑफ बैरियर जो इन्होंने खुद के लिए नहीं क्रिएट किए हैं, वो सोशली हैं, वो इकोनॉमिक हैं, उन बैरियर्स को कम करना, राइट, उन बैरियर्स को कम करना और उनके लिए इंश्योर करना कि वो अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट का गोल होना चाहिए इसके लिए. नेक्स्ट इज इंक्लूसिवनेस इंश्योर्स इक्विटेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री. अगर कोई सपोज एक वेल नोन फैमिली से अगर कोई पर्सन है और एक बच्चा है जो बहुत ही डाउन ट्रोडन फैमिली से आया है, तो दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, राइट. दैट्स हाउ द वेलफेयर पॉलिसी वर्क्स, ओके. और दिस इवेंचुअली लीड्स टू अ स्ट्रांग इकोनॉमी विच इन टर्न बिल्ड अ स्ट्रांग नेशन. जो धीरे धीरे करके अगर ये होता जाएगा तो एक स्ट्रांग नेशन को बिल्ड करती है, एक अच्छा मजबूत राष्ट्र बन के आता है बाहर, ओके. अगर ये सब जो अगर अपनी लोअर सेक्शन का हम प्रॉपरली ध्यान रखें, उनकी ज़रूरतों का, उनके फ्यूचर का, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ का, उनको इक्वली रिप्रेजेंट करें, तो सब कोई इक्वल आके एक स्ट्रांग नेशन आता है, राइट, एक स्ट्रांग नेशन बन जाएगा. अब देखते हैं इसमें सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग है. इन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स एन एम्पैथेटिक एटीट्यूड इन गवर्नेंस. मतलब अगर गवर्नेंस सपोज गवर्नमेंट अगर हमारी कोई चीज़ हमारी कोई पॉलिसी है उनकी जो प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो वो कुछ सेक्शंस के लिए सेंसिटिव भी होने चाहिए. जैसे जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए गवर्नमेंट को अपार्ट फ्रॉम मॉरल जो उनका वैल्यूज़ है गवर्नमेंट का जो मॉरल वैल्यूज़ और जो एथिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए उसमें स्पेशली जो लोग ज़्यादा जिनको ज़रूरत है जैसे ओल्ड एज लोग हो गए उनको सपोज, और जो एक यंग एज है सपोज, दोनों गरीब घर से आते हैं और दोनों को तो मतलब देना तो इक्वली चाहिए गवर्नमेंट को, बट स्पेशली ज़्यादा किसके लिए काम करना चाहिए, ओल्ड एज के लिए, बिकॉज दे आर नो मोर इन द नीड, ओके. तो ऐसे सेक्शंस को जो हमारी गवर्नेंस है उसको पहचानना चाहिए, उनके लिए सेंसिटिव बनना चाहिए, राइट. तो इसका ये मतलब है कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इन सेक्शंस में से भी उनके लिए गवर्नमेंट पहले काम करे. दिस अलाउज अस टू अप्रिशिएट यूनिक सिचुएशंस दैट मे डिमांड मॉरली राइट एक्शन बट नॉट स्ट्रिक्टली इन प्रोडक्टिव टर्म्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गिविंग प्रेजेंस प्रेफरेंस टू ओल्ड एज पीपल एट काउंटर्स ऑफ अदर्स, ठीक है. मतलब कि अगर ये अप्रिशिएट करता है सेंसिटिविटी, क्या करता है सेंसिटिविटी वर्क्स लाइक दैट, कि ये जो अप्रिशिएट करता है सिचुएशंस में डिमांड, जो मॉरली करेक्ट सिचुएशन है वो तो ठीक है, बट उसमें भी आपको जो सेंसिटिव जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए सेंसिटिव होना चाहिए वो ज़्यादा डिमांड करता है, इसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है. आई होप कि आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ. दिस इन टर्न रेजेज ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सिटीजन्स टुवर्ड्स सच वेलफेयर पॉलिसीज एंड लेज द ग्राउंड फॉर बींग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन इट्स कंडक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. मतलब ये जो है सेंसिटिविटी अगर फिर वो लीड क्या करेगी, कैसे सोसाइटी बना देगी, जो ट्रस्ट है सोसाइटी में वो क्रिएट कर देगी, जो रिस्पॉन्सिवनेस है लोगों की वो क्रिएट कर देगी. हम देख रहे हैं कि लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए. तो इवेंचुअली जो अगर सोसाइटी की वेलफेयर पॉलिसीज थोड़ी सेंसिटिव हो जाएंगी लोगों के लिए, तो लोगों को भी समझ आएगा कि हमको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, राइट. तो दिस पॉलिसीज एंड लेज ग्राउंड फॉर बीइंग एन एक्टिव पार्टिसिपेंट. तो वो जो लिथार्जिक होते थे जो लोग पहले, वो फिर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाएंगे देश की डेवलपमेंट में, राइट. वो भी कुछ चाहेंगे कि हम भी कुछ देश के लिए करें अगर गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी तो, राइट. इन कंडक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान वेयर पीपल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज व्हेन सेंसिटिविटी वॉज शोन टुवर्ड्स द पर्सनल क्लीनिनेस इन द पॉलिसी, ठीक है. अगर सपोज ये एग्जाम्पल हमने दिया है कि अगर जब जब तक हमने पर्सनल क्लीनिनेस पे ज़्यादा फोकस किया
तब लोग समझे ना कि हमको क्लीनलीनेस और सफाई का कितना मतलब कितना महत्व है हमारे जीवन में, राइट? सो इसका मतलब है कि हमें जो जो भी हमारी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है सबके लिए सेंसिटिव होना पड़ेगा, कि जो भी जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको पहले उनके लिए काम करना पड़ेगा, उनके लिए पर्सनली हमको ध्यान देना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स हाउ, और ये जो सेंसिटिविटी है ये वर्क करती है हमारी वेलफेयर पॉलिसीज में, राइट? और फिर इवेंचुअली लोग ऐसे इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं कि हमको भी अपने देश के लिए कुछ करना है, राइट? देन चैलेंजेस एंड मेजर्स टू इंश्योर इंक्लूसिविटी एंड सेंसिटिविटी इन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसकी क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर हम इंक्लूसिव हो रहे हैं, अगर हम सेंसिटिव हो रहे हैं लोगों के लिए, गवर्नमेंट जो हमारी है उसके फिर क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. सो देन हाउ करप्शन एंड लीकेजेस कुड बी एड्रेस्ड बाय बेटर मॉनिटरिंग एंड लीगल मेजर्स अलॉन्ग विद यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, एक्ट टू पनिश रॉन्ग डोर्स, एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, यूज ऑफ आधार फॉर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक्सेट्रा. मतलब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अगर उसकी जो चैलेंज आ रहे हैं तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, जो करप्शन है, जो लीकेज है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं. सपोज कोई पॉलिसी हमने सेंटर से पैसा उसके लिए अलॉट हुआ है, मनरेगा है, सपोज मनरेगा में अगर पैसा अलॉट हुआ है तो नीचे तक आते आते तो वो जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और ये हैं वो सब पैसा खा जाएंगे. तो उनके मेजर्स के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको AI बेस्ड मॉनिटरिंग करनी होगी, हमको पनिश करना होगा जो लोग गलत कर रहे हैं, हमको आधार से लोगों को लिंक करना होगा, जनधन अकाउंट आपने सुना होगा, मतलब सबके डायरेक्ट बेनिफिट हमको उनके अकाउंट में देना होगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम उनको काउंटर कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसके बीच में, राइट? कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन गैप कुड बी रिड्यूस बाय बेटर अवेयरनेस क्रिएशन लाइक द यूज ऑफ सोशल मीडिया, कृषि विज्ञान केंद्र फॉर बेटर डिसेमिनेशन. मतलब जो लोगों के बीच में और डायरेक्ट गवर्नमेंट के बीच में कैसे कम्युनिकेशन लाया जाए उससे भी चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी, ठीक है? जो प्रॉब्लम्स है लोगों की बहुत हद तक कम होगी, क्योंकि जब लोग डायरेक्ट उनको पता है कि हमारे पास एक कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ से हम सारी अपनी कृषि से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो जाके पूछ सकते हैं, या हमको कोई सॉयल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हमको सॉयल हेल्थ कार्ड हमारा नहीं बन रहा है, हमारा किसान क्रेडिट कार्ड मेरा बहुत दिनों से अटक रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा कृषि विज्ञान केंद्र में अपने डिस्ट्रिक्ट के जाएंगे और वहाँ पर अपना डायरेक्ट अपना हम जो गवर्नमेंट बेनिफिशरीज हैं हम ले पाएंगे, राइट? सो इससे क्या होगा, लोगों के बीच में गैप कम होगा, लोग जो हमारी जो जो सोसाइटी है और जो हमारी गवर्नमेंट है उनके बीच में गैप कम होगा और लोग आएंगे और उनको जो गवर्नमेंट्स के लिए भरोसा, उनका जो विश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है? सो इनसेंसिटिव एंड रूल बुक ब्यूरोक्रेटिक ऑल्टीट्यूड्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स कैन बी इम्प्रूव विद मेजर्स लाइक रेगुलर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. मतलब जो लोग हैं, जो सपोज कोई ब्यूरोक्रेटिक है, कोई ब्यूरोक्रेट है उस एरिया का, वो लोगों से अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, लोग उससे कनेक्ट करते हुए डर लग रहा है, उनको नहीं कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसे लोगों का भी मेजर करे गवर्नमेंट और उनके लिए क्या करे, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी बढ़ाए. जो भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं सो कॉल्ड किसी एरिया में, सो उनकी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आपको लोगों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे विलेज टू विलेज जाके हमको अपनी प्रॉब्लम्स देखनी होगी इनकी, ठीक है? मेकिंग सिटीजन्स चार्टर्स परफॉर्मेंस अप्रीजल्स एक्सेट्रा, राइट? ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे जो रीच आउट है लोगों की और गवर्नमेंट के बीच में वो कम हो पाए, राइट? सो अब आ जाते हैं हम कंक्लूजन पार्ट पे. कंक्लूजन हम इसका क्या देंगे, द इथोस ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर फॉर्म द बेडरॉक ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स. ये देखो कितनी अच्छी लाइन लिख दी, एक ही लाइन में सब बता दिया कि हमारी जो पॉलिटिक्स का हमने बेस पढ़ा है वो यही तो है, इक्वालिटी लिबर्टी और जस्टिस. ये हमने प्रीएम्बल से लाइन ले ली और ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो सपोज ये कितना अच्छा असर पड़ेगा अगर एग्जामिनर देखेगा कि इतना अच्छा फ्यूचरिस्टिक हमारा और हमारा व्यूज इतने अच्छे हैं हमारी सोसाइटी के लिए, तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपके आंसर राइटिंग पे. तो आप, मैं बार बार बोलती हूँ आपको, पॉलिटिकल थ्योरी एक बुक है 11th क्लास की NCERT, उसको आप पढ़िए, उसमें देखिए, जो भी आप जितना भी उस बुक की लैंग्वेज है ना बहुत हेल्प करेगी आपको आंसर राइटिंग, ट्रस्ट मी. आप उसको पढ़िए और किसी भी आंसर में आप पुट करेंगे ना, आंसर पेपर 3 हो गया, पेपर 2 हो गया, इवन एथिक्स में आप उसकी जो सपोज ये लाइन है एथिक्स लिबर्टी एंड जस्टिस तो कहीं भी डालें गलत नहीं होगी, राइट? इन ऑर्डर टू फुलफिल देम वेलफेयर पॉलिसीज आर एनविसेज. फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द वेलफेयर स्टेट. ये देखो वेलफेयर स्टेट के लिए हमने क्या प्रोवाइड किया है, मतलब जो जो DPSP है हमारे वो क्या बोलते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको जो लोगों के वेलफेयर के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो हमने जो पॉलिसीज़ है जो एक्ट्स है वो निकालेगी गवर्नमेंट, बट उसके लिए गवर्नमेंट कंपल्शन नहीं है उसके कि आपको ये करना ही है, राइट? DPSP कोई
उसके लिए कोई जुडिशियल एक्टिविटीज एक्टिविज्म नहीं हो सकता कि आपके लिए अगर आपने ये काम नहीं किया, सपोज आपने काउ स्लॉटर वो नहीं रुकवाया तो ये गवर्नमेंट पे ये बैन लग जाएगा, ये गवर्नमेंट को इतना जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से लोगों की भलाई के लिए कॉटेज इंडस्ट्री और ये जो जो डेली वेज लेबरर हैं और जो जो हमारे लेबरर्स हैं जिनकी वेलफेयर के लिए हमको काम करना है, ये कुछ पॉलिसीज़ हैं। 6 to 14 ईयर जो एजुकेशन है लोगों की, 0 to 6 ईयर जो हमारे बच्चे हैं, ये DPSP में ये सब लिखा हुआ है ना। तो DPSP में कि ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो वर्क है, ये जो हमने आर्टिकल्स में आपको बता रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो स्टेट है, उसकी जो जनता है, उसके लिए मास, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं ये गवर्नमेंट अपनी मर्जी से निकालेगी, राइट। उनके खिलाफ अगर सपोज उन्होंने नहीं किया, ऐसा कोई रूल नहीं निकाला किसी स्टेट ने, तो हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते कि आपने क्यों नहीं किया, राइट। बिकॉज ये वेलफेयर है, वेलफेयर पार्ट में आता है, चाहे तो गवर्नमेंट इसको कर सकती है, चाहे तो नहीं भी करे, कोई उनको बोलने नहीं आएगा। बट अगर ये गवर्नमेंट करती है तो लोगों के लिए अच्छा होगा इवेंचुअली, ठीक है। सो मेकिंग दीज पॉलिसीज मोर इंक्लूसिव एंड सेंसिटिव विल गो अ लॉन्ग वे and not only in the betterment of vulnerable section of a particular country but will also add to overall global peace and harmony, okay? कितना अच्छा ऐड कर दिया मैंने कि अगर ये सब काम करेंगे तो सिर्फ एक कंट्री का भला नहीं होगा, एक पूरे धीरे धीरे करके पूरा ग्लोबल हार्मनी क्रिएट होगी लोगों के बीच में। जो दो देश लड़ते हैं, जो दो देशों के बीच प्रॉब्लम चल रही है, ट्रेड का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, आपका जो टेररिज्म का प्रॉब्लम कम हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इससे जो कम हो जाएंगी। बिकॉज अगर लोग अपने ही देश में खुश रहना सीख जाएंगे, अपने ही चीज़ों से उनको अच्छे से रिसोर्स उनके मिलने लगेंगे, उनको फुलफिलमेंट हो जाएगी उनकी नीड्स की, तो वो क्यों लोग फिर ऐसे कुछ गलत होगा उस कंट्री में, राइट। और ये इवेंचुअली क्या होगा, ये फिर ऑल ऑफ द वर्ल्ड के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे और दिस इज़ अबाउट मी। ये मेरे हैंडल्स हैं, आप मुझे प्लीज़ यहाँ पे फॉलो कीजिए। डेली आपकी रेगुलर मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास होती है मॉर्निंग में, इवनिंग में आपकी NCERT बेस हम क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं। 6 PM हमारा क्लास का टाइमिंग है, सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन दैट एज वेल। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। और ये मेरे कुछ हैंडल्स हैं, ये देख लीजिए आप। आपको रेगुलर PDF मिल जाएगा इन क्लासेस से रिलेटेड। जैसे आपको टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम रेगुलर PDF शेयर कर देते हैं अपनी क्लासेस की। और अभी मेरी Unacademy पे क्लासेस आ रही हैं, राइट। तो Unacademy मेरी फिर से क्लासेस आ रही है अबाउट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं वहाँ पे। सो प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, राइट। चलिए अब चलते हैं।